हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो के अंदर आप सभी लोगों का स्वागत है, आप सभी लोगों का वेलकम। देखिए, पहली बात तो ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। देखिए, आज से मैं बिजनेस क्लासेस देने वाला हूँ, वो भी फ्री में। क्योंकि देखिए, मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा स्कूल कॉलेज, MBA कॉलेज भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, लेकिन कोई भी कॉलेज, कोई भी एजुकेशन सिस्टम आपको बिजनेस कैसे किया जाता है, पैसा कैसे कमाया जाता है, ये टॉपिक सिखाता नहीं। आपको बाहर के एजुकेशन सिस्टम में आपको ये सिखाया जाएगा कि मशीन कैसे चलानी है, कंप्यूटर कैसे चलाना है, मोबाइल कैसे चलाना है, हर एक चीज सिखाई जाएगी, लेकिन आपको कोई पैसा कैसे कमाया जाता है, बिजनेस कैसे खड़ा किया जाता है, उससे पैसा मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, ये आपको कोई सिखाता नहीं है। लेकिन आज मैं आपको फ्री में सिखाऊंगा। देखिए, जो कंटेंट मैं आपको सिखाने वाला हूँ, जो उसकी मार्केट की प्राइस है कोर्स की 25,000, लेकिन आपके लिए ये कोर्स मैं फ्री में दे रहा हूँ। तो ये कोर्स मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आएगा, इसकी वीडियोस आप तक पहुंच जाएंगी। हफ्ते में 3 वीडियोस होंगी इस बिजनेस कोर्स की। तो अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब करिए। नीचे बेल आइकॉन है, उसके साइड में बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक कीजिए तो आने वाले वीडियो आप तक जल्दी पहुंचेंगे। देखिए, ये जो कोर्स है बिजनेस के बारे में, बिजनेस क्या होता है, बिजनेस क्यों करना जरूरी है, बिजनेस के फायदे क्या हैं और लॉन्ग टर्म में आप इसमें ग्रोथ कैसे कर पाओ, हर एक चीज डिटेल में आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट एंड तक देखना बहुत जरूरी है, ओके? ठीक है, पहली चीज, बिजनेस करना जरूरी क्यों है, जरूरत क्या है, ये चीज पहले जानना जरूरी है। देखिए, हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमें बचपन से यही सिखाया जा रहा है, बेटा अच्छी एजुकेशन ले ले, अच्छी स्टडी कर, अच्छी स्टडी करेगा, अच्छा एजुकेशन लेगा तो तुझे अच्छी डिग्री मिलेगी, अच्छी डिग्री मिलने के बाद तुझे कोई तो कंपनी जॉब देगी, अच्छा खासा जॉब करेगा तो क्या हो जाएगा, तेरे पास पैसा आएगा, पैसा आने के बाद तू वेल सेटल बनेगा, अच्छा घर ले पाएगा, अच्छी गाड़ी ले पाएगा, शादी कर पाएगा। इस अच्छाई के चक्कर में आपने क्या किया, आपने आधी लाइफ यहाँ पर खत्म की है। कौन सी अच्छाई, अच्छा एजुकेशन ले, अच्छी डिग्री मिलेगी, अच्छी डिग्री मिलेगी तो अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी जॉब मिलेगी तो अच्छी लाइफ होगी। इस अच्छाई के चक्कर में यहाँ तक आपकी लाइफ आ चुकी है। आपको पता है आपकी लाइफ अच्छी है या बुरी है, आप मेरे से बेहतर जानते हैं। लेकिन कोई भी इंसान पैसा कमा रहा है या कमाने वाले हैं, कोई भी इंसान एजुकेशन ले रहा है, उसका रीजन क्या है? आप ये वीडियो देख रहे हो पैसा कमाने के लिए देख रहे हो, पैसा इंसान वेल सेटल बनने के लिए कमाता है। आप क्यों कमाना चाहते हो, अपने लाइफ में वेल सेटल बनना चाहते हो? अगर वेल सेटल इस वर्ड की अगर डेफिनेशन की जाए तो क्या है, एक इंसान है, उसके पास अच्छा घर होना चाहिए, खुद का घर होना चाहिए, अपने माँ बाप का, अच्छी गाड़ी होनी चाहिए खुद की, और खुद के दम पर खुद की शादी होनी चाहिए, मतलब एक अच्छी बीवी होनी चाहिए, इसे ही वेल सेटल बोला जाता है ना। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो, अगर आपकी एज 20 साल, 25 साल या 30 साल इसके बीच में, तो मैं आपको सवाल पूछूं, अगर आपको लाइफ में वेल सेटल बनना है कितने साल के अंदर बनना है, आज से, तो आपका जवाब यही होगा आने वाले 1 साल, 2 साल, 3 साल के अंदर मुझे क्या बनना है, अपने लाइफ में वेल सेटल बनना है, खुद के दम पर खुद का घर लेना है, खुद की गाड़ी लेनी है, 4 व्हीलर 2 व्हीलर लेनी है, खुद के दम पर खुद की शादी करनी है, यही डेफिनेशन होगी। और आपका टाइम लिमिट अगर आपको पूछा जाए तो आप बोलेंगे कम से कम 5 साल के अंदर ये सारी चीजें मेरे लाइफ में चाहिए। और मुझे ये भी पता है कि आप सोच क्या रखते हो, मैं 10-15 हज़ार 20 हज़ार की जॉब करूंगा, जॉब करने के बाद ये घर गाड़ी शादी ये सारी चीजें 4-5 साल में मेरे लाइफ में आ जाएंगी। तो अगर आप ये सोच रखते हो तो मैं आपको टोटल कैलकुलेशन बताऊंगा, कैलकुलेशन ध्यान से समझो। पहली चीज, चलो आपको 20,000 की जॉब लग गई, चलो आप फ्रेशर हो, चलो वैसे तो फ्रेशर लोगों को 20,000 की जॉब कोई देता नहीं है, चलो मान के चलते फॉर एग्जाम्पल
आप 20,000 की जॉब कर रहे हो, समझो आप अपने घर से बाहर रहते हो, बाहर रहते हो मतलब आपको वहां पर रूम रेंट देना पड़ेगा, 20,000 सैलरी है, 5,000 रूम रेंट चला जाएगा, अगर पूना मुंबई जैसी सिटी में रहते हो तो इतना रूम रेंट आपको देना पड़ता है, मतलब 15,000 बचे, 20,000 में के 5,000 चले गए। अब बात करते हैं बाहर रह रहे हो मतलब खाना पड़ेगा, खाना पीना इसका खर्चा होगा, मान करते हैं खाना पीना नाश्ता इसका खर्चा होगा 5,000, मतलब रहने के 5,000, खाने के 5,000, मतलब 10,000 यहाँ पर चले गए, मतलब बचे कितने 10,000। अब ट्रैवलिंग का खर्चा, आप रोज ट्रैवलिंग करोगे ऑफिस से रूम, रूम से ऑफिस, अगर आपको हफ्ते में कहीं घूमने जाना है तो उसका खर्चा होगा, ट्रैवलिंग के लिए 3,000 रुपये चला जाता है, मतलब 13,000 यहाँ पर खत्म हो गए। उसके बाद आप अभी यूथ जनरेशन हो, हर महीने नए कपड़े खरीदोगे, शूज खरीदोगे, वॉच बेल्ट ये सारी चीजें खरीदते हो, इसका एक चला गया 2,000 रुपये, सही ना, मतलब कितना हुआ, पहले के रूम के 5,000, खाने के 5,000, घूमने के 3,000 और ये कपड़े के 2,000, मतलब 15,000 यहाँ पर चले गए। और 1,000 एक्स्ट्रा खर्चा होता है, जैसे कि आपका लाइट बिल, उसके बाद मोबाइल रिचार्ज, हर महीना मोबाइल रिचार्ज डालना पड़ता है, अगर आप हॉटस्टार वगैरह यूज करते हो उसका रिचार्ज अलग से डालना पड़ता है, इसके टोटल मिला के 16,000 आपका पर्सनल खर्चा होगा, 16,000 पर्सनल खर्चा हुआ, बचे कितने 4,000। आपके गांव में आपके मम्मी पापा होंगे, आपके छोटे भाई बहन होंगे, उनको भी पैसा भेजना पड़ेगा, ऊपर के बच्चे 4,000 उनको भेजोगे तो आपके हाथ में बचेगा कुछ, बचेगा हाथ में बचा 0, बताओ आपके हाथ में 0 बच रहा है तो बताओ कैसा घर ले पाओगे 5 साल के अंदर, गाड़ी ले पाओगे 5 साल के अंदर, शादी कर पाओगे बताओ, नहीं कर पाओगे। अगर ये सोच रखते हो तो आपकी लाइफ इधर ही एंड हो जाएगी। चलो 2,000 भी सेव करते हो, इसमें से काट छाट के 2,000 भी बचता है आपके बिजनेस से, या सॉरी आपके जॉब से 2,000 भी बचा रहे हो तो एक साल का कितना हुआ 24,000। देखिए भाई लोग 24,000 एक साल का बच रहा है तो 5 साल में कितना कमा पाओगे, 1,50,000 रुपए, मतलब आप सोच क्या रखते हो 5 साल के अंदर मेरे पास गाड़ी आनी चाहिए, घर आना चाहिए, खुद के दम पर शादी होनी चाहिए, लेकिन 5 साल के अंदर इतना सेव कर रहे, 2-व्हीलर भी नहीं आ पाए, तो समझ में आ रहा, प्रैक्टिकली सोचो यार। देखिए अगर प्रैक्टिकली अगर आप जो माइंडसेट रखकर चल रहे तो गलत है, आप फंसने वाले डेफिनेटली। अब ये आपको नॉर्मली अभी पता नहीं चलेगा, अभी आपकी लाइफ नॉर्मल चल रही है, जब ज्यादा हो जाता है, समझो आपकी शादी भी हो गई, ऐसे ऐसे क्रिटिकल कंडीशन तो बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, पैसे की प्रॉब्लम होगी, अगर आपके बच्चे हो गए तो उनको अच्छा एजुकेशन नहीं दे पाओगे, एकदम खराब सी लाइफ होगी। देखिए अगर आप ऐसी लाइफ जीना चाहते हो, ऐसी खराब लाइफ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होंगी, बहुत सारी तकलीफ है, हर रोज तकलीफें होंगी, हर रोज पैसे को लेकर झगड़ा होगा, अगर ऐसी लाइफ जीना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, यहाँ से स्किप करो छोड़ दो, ये सीरीज आपके लिए नहीं है, ये क्लास आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप अपने लाइफ को इससे हट कर जीना चाहते हो, इससे अलग कुछ तो करना चाहते हो, और जो आपने सपने देखे, जो आपकी नीड्स है, ड्रीम्स है, उसे आप पूरा करना चाहते हो आने वाले 5-10 साल के अंदर, तो ये सीरीज आपके लिए, ये वीडियो आपके लिए लास्ट के एंड तक देखिए, ओके। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि जॉब हो रही है, जॉब अच्छी है, कर रहे हो, अच्छा बात, लेकिन जॉब के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना पड़ेगा, एक साइड बाय साइड आपका बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे बिजनेस स्टार्ट करना है तो पैसा लगेगा, लाखों रुपए लगेंगे, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जगह लेनी पड़ेगी, अगर ये सोच रखते हो तो गलत है। मार्केट में कुछ बिजनेस ऐसे हैं जो जीरो इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे WBA ट्रेनिंग सेंटर का ऑनलाइन बिजनेस है जो जीरो इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट होता है। इस प्रकार से बहुत सारे बिजनेस हैं, जिस बिजनेस के अंदर आप अपना डेली 2-3 घंटा भी टाइम देते हो तो बहुत ज्यादा अर्निंग कर सकते हो, एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हो, एक्स्ट्रा 15-20,000। देखिए एक चीज माइंड रखो, जो आप जॉब कर रहे हो उसके 15
20,000 आपके नीड्स के लिए, मतलब रोटी कपड़ा मकान, इसके लिए चले जाएंगे। और एक्स्ट्रा जो कमाते हैं, जो मैं अभी सिखाने वाला हूँ, जो बिजनेस, वो बिजनेस करके आप एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करो। जैसे कि समझो एक्स्ट्रा 20,000 भी कमा रहे हो महीने का, तो कितना हो, 2,40,000 आप साल का सेव कर रहे हो। मतलब आने वाले 5-10 साल के अंदर आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हो। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, क्लियरली प्रैक्टिकली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ध्यान से समझो। ओके, तो देखिए मेरे बेसिक जो मैं सिखाने वाला हूँ उसकी जरूरत क्या, आपको सीखना क्यों जरूरी है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की। ओके, अब बात करते हैं जॉब और बिजनेस में डिफरेंस क्या। क्योंकि जॉब करते हो जिसे अच्छा लगता है जॉब करना, अच्छी बात है, वो आपके लाइफ का सवाल है, उसके अंदर में ज्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं, लेकिन मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा एक जॉब और बिजनेस। जॉब मतलब क्या, ज्वाइन अनदर बिजनेस, JOB, ज्वाइन अनदर बिजनेस। मतलब जॉब मतलब है कि बिजनेस ही होता है लेकिन दूसरों का होता है, आपके मालिक का होता है, आपके मालिक का बिजनेस है, उसके अंदर आप एक छोटा सा पार्ट हो, एक कनेक्ट हो चुके हो उसके साथ, और वो मालिक आपको कुछ तो परसेंटेज दे रहा है। मैंने कहा 10,000, 12,000, 15,000 जो आपकी इंटरव्यू में आपको बताया गया है वो आपको उसके हिसाब से मिल रहा है। लेकिन बिजनेस ये खुद का होता है, अगर बिजनेस एक छोटा बिजनेस अगर हो तो वो खुद का होता है, बड़ा हो वो भी खुद का होता है। देखिए दोनों में एक्चुअल में डिफरेंस है। पहली चीज, जॉब के अंदर आपको लगातार टाइम देना पड़ेगा, लेकिन वो टाइम अपने बॉस के ऊपर होगा, बॉस आपके टाइम का यूज करेगा। बिजनेस के अंदर भी आपको टाइम देना पड़ेगा लेकिन उस टाइम के मालिक आप हो। चलो जैसे कि जॉब के अंदर समझो आपकी ड्यूटी सुबह 10 से लेकर 5 बजे तक, चलो सुबह 10 से लेकर 5 बजे तक आपको बॉस के अंडर ही काम करना पड़ेगा, बॉस जो बोलेगा वो आपको करना पड़ेगा। बॉस बोलेगा एक चेयर उठा उठाना पड़ेगा, बॉस बोलेगा आपको ये मशीन चला चलाना पड़ेगा, बॉस बोलेगा आपको कंप्यूटर चला चलाना पड़ेगा। मतलब जैसे कि आपका रिमोट बॉस क्या है, लेकिन बिजनेस के अंदर ऐसा नहीं होता, बिजनेस खुद का है। मतलब आपके हाथ का रिमोट आपके हाथ में, आपको खुद का रिमोट आपके हाथ में, और आपको किसी के उंगली के ऊपर नाचने की जरूरत नहीं, अगर मेरी भाषा में बोला जाए। मतलब फुल फ्रीडम होता है, कभी भी आकर अपना शटर ओपन किया, बिजनेस चालू, अगर मूड नहीं है आज छुट्टी लेना छुट्टी ले सकते हो, अपने ऊपर डिपेंड है। लेकिन जॉब के अंदर ऐसा नहीं होता, बिजनेस के अंदर फुल फ्रीडम होता है, जॉब के अंदर कोई फ्रीडम नहीं होता। चलो समझो आप जॉब पे हो और आपकी एक मीटिंग चालू है फॉर एग्जाम्पल, और आपको फोन आया कि घर के अंदर हॉस्पिटल का कोई प्रॉब्लम है, समझो आपकी मम्मी बीमार है या पापा बीमार है, तो बॉस की परमिशन लेकर जाना पड़ेगा। अगर इमरजेंसी काम होगा तो बॉस आपको टाइम भी नहीं देगा, छुट्टी नहीं देगा। देखिए पैसे के लिए आप अपने मम्मी पापा का ख्याल नहीं रख सकते, मतलब अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे सकते जॉब के अंदर, लेकिन बिजनेस के अंदर आप अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हो। ऐसे अगर हमारे WBA ट्रेनिंग सेंटर की बात की जाए तो घर बैठकर बंदा काम कर रहा है, घर बैठकर पैसा कमा रहा है, इसका मतलब फैमिली साथ में अपनी मम्मी पापा का ख्याल रख रहा है, अपने बच्चों का ख्याल रखकर उनके साथ रहकर पैसा भी कमा रहा है, बिजनेस भी कर रहा है। ऐसी चीज है, मतलब बताने का उद्देश्य क्या है, फैमिली साथ में होती है बिजनेस के अंदर, लेकिन जॉब के अंदर ये चीजें नहीं। तो और भी बहुत सारी चीजें जो आपको मैं आगे की क्लासेस में बताऊंगा। पहली चीज, एक चीज माइंड में रखो, जो मैं क्लासेस देने वाली वो स्टेप बाय स्टेप सीरियल वाइज जो अटेंड करना बहुत जरूरी, बीच में से देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ओके, स्टेप बाय स्टेप चीजों को सीखो, स्टेप बाय स्टेप सीखो, जो चीजें है उसे सीखो समझो, लिख के रखना हो सके तो, अगर आपके पास डायरी और पेन होगा तो लिख के रखो, आपको ये नॉलेज आने वाले टाइम में बहुत काम आएगा। ओके, तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, अगले एपिसोड के अंदर मुलाकात होगी, उसके बिजनेस के डिटेल सार, बिजनेस क्या होता है, कितने टाइप के बिजनेस मार्केट में, कौन सा बिजनेस करोगे तो उसके अंदर आपको फायदा होने वाला है, हर एक चीज में आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, ये वीडियो को पूछो, जो भी बिजनेस के बारे में सीखना चाहता है उस इंसान के लिए ये वीडियो पूछो, वो भी इस फ्री क्लासेस का लाभ।